हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित इकाई 4 सरसमीकाओं के अंतर्गत प्रश्नावली या अभ्यास 4A में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 4A के बेसिक कॉन्सेप्ट या फार्मूले और इसके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, पहले और दूसरे में, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर जिसने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको जाकर देखें, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी इसके फार्मूले बताए थे। ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा, तब यहाँ से आइएगा, देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है कि निम्नांकित के मान सर्वसमिका ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इसमें सवाल दिए हुए। ठीक है, काका यानी कि 31 का क्यूब, 102 का क्यूब, 201 का क्यूब। ठीक है, यानी कि कह रहा कि जो संख्याएं दी हुई हैं इन पर जो है सर्वसमीकाओं का प्रयोग कीजिए। ठीक है, उसकी सहायता से आप इसके उत्तर को निकालिए। ठीक है, इसके क्यूब को यानी कि घन को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसकी सहायता से हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए हमने इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ले लिया है, 31 का क्यूब। ठीक है, इस पर हमें सर्वसमीका का प्रयोग करना है, उसकी सहायता से इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वैसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें डायरेक्ट भी हम 31 गुड़े 31 यानी 31 का सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 बार, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी इसमें। ठीक है, अभी 31 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी हमें दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट फॉर्म में जाकर सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसका उत्तर निकालेंगे, उसमें आसानी होगी। ठीक है, आपको देखिए इस 31 को हम क्या लिखेंगे, पहले सर्वसमीका इसका सूत्र देख लीजिए, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 31 का क्यूब। ठीक है, 31 को मैं हम क्या ले सकते हैं, 30 प्लस 1। ठीक है, इसके नियर बाई जो हम लिखते हैं यानी कि ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है 30 प्लस 1, ये हो गया का क्यूब। अब देखिए यहाँ से 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3AB होता 3 गुड़े 30 गुड़े 1। ठीक है, और ये 30 प्लस 1। ठीक है, देखिए ये पूरा जो है ये जो प्रसार है ये पूरा इसी फार्मूले पर बेस कर दिया हमने। ठीक है, अब यहीं से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस 0 को छोड़िए, अभी 3 का जो है घन क्या होता है 27, तो हम यहाँ पर 27 लिख लेंगे। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 3 0 आनी है। ठीक है, प्लस अब देखिए 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 30 में 1 को करेंगे तो क्या होगा 30 होगा, फिर 30 में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 यानी कि 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे आप इसमें 30 प्लस 1 लिखिए या सीधा 31 लिख दीजिए। ठीक है, वो आप पर है, यहाँ पर देखिए हम लिखा 2700। ठीक है, प्लस 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट लिख मल्टीप्लाई उसी पर फॉर्म में करना चाहें जैसे हम पिछले वीडियो में सीखते आए हैं 9 3 27, ऐसे करके फिर इसमें 90 को 1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर लीजिए, या फिर इसको आप सीधा यहाँ पर ऐड कर लें 30 1 31। ठीक है, तो उसे भी हो जाएगा, तो हम चलिए ऐसे ही करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, 30 गुड़े 31 ऐसे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ में 27000 प्लस 1 प्लस देखिए 9 कम 9 और 9 3 27। ठीक है, ये हो गया 2790, हमने 9 को इसमें मल्टीप्लाई किया 9 और 9 3 27। ठीक है, 2790, अभी सिर्फ इसको अब हम ऐड करना है हमें, तो देखिए 0 1 0 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 ये 9 0 ये 9 हो जाएगा, 7 0 7 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये 2 7 2 ये 9 हो जाएगा, फिर ये 2। ठीक है, यानी कि अब 29791 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह देखिए अभी आपने जो है इसका अगर मल्टीप्लाई करते 31 गुड़े 31 गुड़े 31 तो आपको भी जो है इसका गुणा करने में काफ़ी समय लगता है,
लेकिन आपने सर्व समीकरण का इसका प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व कर लिया बड़ी आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसका खा खंड भी आपको सर्व समीकरण के प्रयोग से आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का खा खंड क्या है, 102 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए इसमें भी हम सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके नियर बाई देखिए हम लिख सकते हैं 100 + 2, ठीक है। अगर 103 का कहेगा तो हम क्या करेंगे, 100 + 3, ठीक है, इस तरह ये का क्यूब। अब देखिए ये पूरा जो है ए प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 100 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 × 3 ए भी होता 3 × 100 × 2, ठीक है। और यहाँ से जो है 100 + 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखिए क्यूब की बात कर रहा है, 1 का 2 है 1 ही होगा। अब इसमें देखिए 2 0, ठीक है। जब इसको हम 3 बार इसको हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6 0 हो जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 1 6, ठीक है, ये हो गया। प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये इसको गुणा करते हैं, 3 2 6 और ये 600 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 100 + 2, इसको सीधा आप हम 102 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 2 4 2 6, ठीक है, प्लस 8 प्लस, अब देखिए 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12 और 0, तो यहाँ पर 12 पूरा हो जाएगा, 6 कम 6, ठीक है। और जो इसके लास्ट डिजिट ये 2 0, यहाँ पर 2 0, ठीक है। अब इसको सिर्फ हमें ऐड करना है, ऐड करके लिख देना, देखिए इसको 0 0 करेंगे तो यहाँ से 8 हो जाएगा, ये 2 0, यहाँ से 1 0 करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा, 2 फिर यहाँ से करेंगे ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है, यहाँ ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा, ये 10, ठीक है, 10 61 208 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का गाखंड है 201 का क्यूब, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम, 200 + 1, ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम सर्व समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए 201 का क्यूब लिखेंगे हम इसको सर्व समीकरण के फॉर्म में, 200 + 1 का क्यूब, ठीक है, यानी कि 200 का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 ab, यानी 3 × 200 × 1, ठीक है। और ये 200 + 1, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 202 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 0 है और घात 3 है, यानी कि 6 0 आ जाएंगे, ठीक है, 3 2 5 1 6, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1, 3 2 6 600 हो जाएगा, और ये 201, ठीक है। अब इसको सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से देखिए 6 0 से यहाँ पर 2 4 2 6 + 1, 6 कम 6, ठीक है, 0 6 2 12, ठीक है, 6 कम 6 6 2 12, 1200 6 और 00, ये। अब इसको हम ऐड करेंगे सिर्फ, 2 0 तो यहीं जाएंगे, ये 6 हो जाएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर 1 भी था, ठीक है, इस ऐप को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से इतना, ठीक है, कायदा इस एक 1,000 10,000 10 लाख, यानी कि 81,20,601, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, 81,20,601, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसमें दिया हो कि x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए, यदि x + 1/x का मान 10/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे, फिर आपको इसमें एक हम ट्रिकी अप्रोच बताएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्न हैं जो है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम बेसिक जो है
मेथड जान लेते हैं, फिर इसका हम ट्रिकी अप्रोच इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका पहले हम बेसिक, ठीक है, इसका बेसिक जो है बेसिक मेथड आपको बताते हैं जैसे इसको सॉल्व किया जाता है, नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इस जो दिया हुआ है इसका हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ओके सॉरी क्यूब की बात कर रहा था, यहाँ पर क्यूब करेंगे। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ठीक है, का क्यूब, ठीक है, और इसमें बराबर इस तरफ दिया हुआ है, चलो इसको बाद में ही रख देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी, यानी एक्स गुड़े वन अपान एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपान एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू यहाँ पर 10/3 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 10/3 का क्यूब, ठीक है, इसके स्थान पर लिख दिया हमने। ठीक है, बराबर एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं ज्ञात करना तो ये है, ठीक है, इसमें ये 3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू क्या है, 10/3, ठीक है, ये हो गया। अब इसका देखिए घन करेंगे तो 10 का घन क्या हो जाएगा, 1100 और 100 दाम में 1000, ठीक है, 1000/3 का हो जाएगा 27। ठीक है, बराबर एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस, इसको देखें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 10 30/3, ठीक है, इस जो प्लस है ये इसको बराबर के साइड यानी कि बाएं तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 1000 -30/3, ठीक है, ये 27। ठीक है, हर को बराबर कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए हर बराबर 9 3 27 9 3 27, ठीक है, जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर जो प्लस होता है, प्लस करना हो तो प्लस कर लीजिए, माइनस करना है तो माइनस। ठीक है, यहाँ से यानी कि 1000 -9 3 27 270/27, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0 10 में 7 जाएगा 3 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है, और यहाँ से 730/27, ठीक है, 27 730/27 इसका जो आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब, ठीक है, ये इसका आंसर। देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, आपको दिखा देते हैं ये, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको ट्रिकी अप्रोच बताते हैं कि अगर इस प्रकार के सवाल आपको परीक्षाओं में पूछ लिया जाए विद इन सेकेंड आप कैसे करेंगे इस प्रकार के जो है सवाल। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक्स प्लस वन अपान एक्स, ठीक है, ये प्लस में वैल्यू, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर ये प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, एक्स प्लस वन अपान एक्स और इसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, ठीक है, और कह रहा है कि आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब की वैल्यू याद करना है, तो यहाँ से देखिए नीचे आपको इसका कॉन्सेप्ट जो समझा देते हैं। देखिए अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स दिया हुआ है और उसकी वैल्यू कुछ दी हुई है, चाहे 10/3 हो, 10/100 हो, कुछ भी दी हुई हो, ठीक है, और आपको जो है एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब ज्ञात करने के लिए कह रहा हो, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट देख लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है, कि ये होता है यानी इसको अगर यहाँ पर कोई भी संख्या मान ले, अभी तो ये संख्या है, अगर यहाँ पर हम वाई मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है, अगर ए मान लेते हैं तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए, ठीक है। देखिए हम आपको एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमने कहा था कि अगर एक्स प्लस वन अपान एक्स बराबर कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, यहाँ पर 10/3 100/3 कुछ भी हो जाए, फिर आपको कह दे कि एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, तो उसका देखिए आपको सिर्फ इसका क्यूब, ठीक है, माइनस तीन गुड़े यही संख्या, ठीक है, कर देनी है तो आपको उत्तर आ जाना, यानी कि ए क्यूब माइनस थ्री ए, जहाँ ए है एक्स प्लस वन अपान एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, तो हमने यही कर दिया और ये आ गया। ठीक है, अब आप सोचिए अगर कह दे, अब यहाँ से थोड़ी सी आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ और बताते हैं कि अगर अभी तो एक्स क्यूब की बात की थी, अगर आपको ये कह दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए तो क्या करेंगे आप, तो इसके लिए क्या करना है,
ये जो संख्या आती हुई, ठीक है, यानी कि यही का ए क्यूब माइनस टू, ठीक है, सिर्फ इतना करना ए स्क्वायर, ठीक है, और इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ था ये, इसका करेंगे तो दाम 100/3 9-2, ठीक है, यहाँ से अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 2 18, यानी कि जो है 100-18/9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 82/9, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाता, ठीक है, अगर ये इसकी आंसर की बात करता, ठीक है। तो आई होप कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप समझ में आ गए होंगे आपको, और अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है बड़ी आसानी से इसे इसके जवाब दे सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आप अगर जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं तो आप इसी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है, नंबर इसी में मिलेंगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर तो आप इस कॉन्सेप्ट को बाद वाले कॉन्सेप्ट को जो है कर सकते हैं। देखिए इसी पेज पर जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, यदि 2x + 1/2x = 5/2 तो 8x³ + 1/8x³ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो ये 2 का जो है क्यूब ही लिखा हुआ है, यानी कि 8, ठीक है, इसको 2x³ लिख सकते हैं, यानी कि इसी फॉर्म में पूरा क्वेश्चन बना हुआ है सिर्फ। तो आप ऐसे क्या करेंगे इसमें, यानी कि 5/2 का होल क्यूब - 3 और 1 की वैल्यू यानी 5/2, उसको कर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप ट्रिकी अप्रोच लगाइए ज़रूर। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले 2x + 1/2x³, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम 2x³ यानी 2x + 1/2x³, ठीक है, प्लस 3ab यानी कि 3×2x × 1/2x, ठीक है, और यहाँ पर भी हो जाएगा ब्रेकेट में 2x + 1/2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिए 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8x³, ठीक है, प्लस 1/8x³, यहाँ पर भी प्लस, देखिए यहाँ 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 3, ये 2x + 1/2x की वैल्यू क्या दी हुई 5/2, ठीक है, 5/2। देखिए यहाँ से इसको भी देखिए 2x + 1/2x, ठीक है, इस तरफ, तो यानी कि 5/2 का क्यूब, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे 5/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 125/8, ठीक है, ये प्लस जो है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 3×5 = 15/2, और ये बचेगा सिर्फ 8x³ + 1/8x³, ठीक है। अब इसको देखिए हर को बराबर कर लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये 125/8 - 15 = 60/8 = 8x³ + 1/8x³। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, देखिए 125 और 60 जाएगा तो 65, ठीक है, और बटे में 8 65/8 = 8x³ + 1/8x³, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा उस ट्रिक अप्रोच लगाना चाहें, ट्रिकी अप्रोच, तो देखिए कैसे लगेगा। देखिए इस सवाल में पूछा क्या गया था, यहाँ पर देखिए ट्रिकी देखिए कह रहा कि 2x + 1/2x = दिया हुआ है 5/2, और हमें निकालना क्या था 8x³ + 1/8x³, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हमने बताया था कि इस प्रकार के सवालों में इसका a³ - 3a, ठीक है, a³ - 3a आपको ये इसका ट्रिक था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो हम लिखें
यानी कि 5/2 का क्यूब माइनस 3 × a की वैल्यू क्या दी हुई, 5/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 125/8 माइनस 3 × 15/2, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए, यानी कि 125 माइनस 60/8 बराबर 65/8। ठीक है, उसी प्रकार बस अगर आपको ये हैट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर दिया, और इस तरह जो है काफ़ी जो है अब वीडियो यहीं पर हम समाप्त करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। ठीक है, यहाँ से देखिएगा हमने 3, 4, 5 यानी 3 में जो है 3 प्रश्न बताएं, 4 में जो है 1, 5 यानी कि कुल मिलाकर हमें 5, 2, 7 प्रश्न, 7 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिए हैं। और ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में 6 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपको जो ट्रिक जो है कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।